हेलो हेलो, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। दिल्ली के विनोद नगर इलाके में हूँ और विनोद नगर इलाका वार्ड नंबर 198 है और यहाँ पर लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या होंगे बड़े मुद्दे, नेताओं के उम्मीदवारों के क्या है वायदे और इन वायदों पे कितना जनता करेगी भरोसा, इन सब बातों पे सवालों पे जवाब लेंगे इस इलाके की जनता से। आप लोगों के क्या है मुद्दे इस इलाके में? हमारा मुद्दा ये है कि यहाँ पे बहुत बड़ा कूड़ा का पहाड़ है। एमसीडी में हमारी सरकार है नहीं, हमारी आम आदमी पार्टी की, तो हम लोग बहुत परेशानी में हैं। अगर इस बार कुछ बदलाव आएगा, जैसे हमारे दिल्ली में केजरीवाल का सरकार आया, तो हम गरीब जनताओं के लिए, जैसे हम लोग महिला हैं, पूरे दिन कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम करते हैं, फिर घर चलाते हैं, तो हम लोगों को जैसे बिजली बिल फ्री, पानी फ्री, बस में हम लोग अभी जाते हैं तो हमारा टिकट भी फ्री है, तो हम लोगों के लिए बहुत सारी फायदा ही होगा। तो इस बार अगर हमारा एनसीडी में हमारी केजरीवाल की सरकार आएगी तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आपके लिए क्या मुद्दे रहेंगे जब आप वोट डालने जाएंगे? मेरे लिए ये मुद्दा रहेगा, जैसे कि अभी इन्होंने बहन ने बताया, ठीक है ना, तो वही चीज़ मैं भी बताना चाहूँगी कि जब बारिश होती है ना तो नालों की पानी जब सड़कों पे आ जाती है, इतनी गंदगी उसमें होती है कि जब हम अपने बच्चे को स्कूल लाने जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है। कहीं ना कहीं बारिश में यही नहीं पता चलता है कि कहाँ पैर रखना है, कहाँ नहीं रखना है, क्योंकि बच्चे भी गिर जाते हैं, कई बार हम भी गिर जाते हैं, तो बहुत बहुत खराब लगता है ये सब चीज़। तो बदलाव तो हमको भी चाहिए। पास्ता को लगाओ इटालियन तड़का, स्मिथ एंड जोन्स पास्ता मसाला, वेरी वेरी टेस्टी। देखो, पहली बात तो ये आती है कि यहाँ पर जो भी प्रतिनिधि आता है ना, आप आज के दिन तो शक्ल सब दिखाएंगे, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना तो इनमें से कोई भी नज़र नहीं आएगा आपको, एक भी, और आपको उनको ज़रूरत पड़ेगी तो कभी भी नहीं नज़र आएंगे। अभी हमारे यहाँ, ये अभी मई जून की बात बता रही हूँ, इतना गंदा और नाली का पानी था, और आप ये देखो कि हमारे एरिए में पूरे उसमें जॉन्डिस का फैला हुआ था, और हम लोग उनके ऑफिस में जाके करते रहे, वो कहते हैं हमारी कंप्लेंट नहीं है, हमारा नहीं है, वो कहे उसके पास जाओ, सब कोई भी इस समस्या को सुनने को तैयार नहीं, और आज भी वही समस्या चल रही है। अब आप कैसा चाहती हैं जनप्रतिनिधि? हम कहते हैं जो भी बैठे इस सीट पे, जो इस सीट के लायक हो, सब काम करे, जनता की सुने, कॉलोनी में सुधार करे, जैसे पानी की समस्या है, गलियाँ साफ नहीं है, बारिश में परेशानी होती है, तो सारा कुछ करना पड़ेगा उसको। हम तो यही चाहते हैं कि पानी जो आए, पहली बात तो साफ आए, और हम तो ये नहीं कह रहे कि फ्री का दो, पैसे लगे कोई बात नहीं, लेकिन पानी टाइम टू टाइम आए तो सही, चार चार दिन तक पानी नहीं आ रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ पानी लेने के लिए? ये भी तो मतलब ये को है ना, हम तो कह रहे कि जो भी बैठे हैं पानी के, चाहे बेशक बिल आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम देने के लिए तैयार है, मगर कम से कम पानी तो आए। चाहे बच्चे ऐसे चले जाते, कभी बिना नहाए चले जाते, बिना उसके इस ये कहाँ, हम कहाँ जाएंगे बताओ? जो समस्याएँ हैं वही है, जो साफ़ सफाई है और पानी है, जो मेन हमें रोज़ की समस्याएं हैं। तो कोई भी नेता जो युवा हैं, जो अच्छी सोच रखते हैं, वो कोई भी हो, वो आए और आम जनता की परेशानी सुने। जैसे हमारे वार्ड में बहुत सारे गंदगी है, कूड़े भरे हुए हैं, उस कूड़े से हम लोग छुटकारा लेना चाहते हैं। नाले सब खुले पड़े हुए हैं और कूड़े के ढेर छोटा छोटा बड़ा ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है, जब बारिश होती है तो काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। आप चाहती हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव में जीते जो इन सब का समाधान, बदलाव हो और आए अच्छे सरकार यहाँ एमसीडी में, जो अच्छा काम करे। इस वार्ड में सामान्य दिल्ली की तरह समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन और अवैध पार्किंग को लेकर है कि इस इलाके के लोगों को वाहनों को पार्किंग करने के लिए जगह नहीं मिलती है। इसके अलावा चूंकि ये पूर्वी दिल्ली का हिस्सा है और गाजीपुर जो कूड़े का पहाड़ है, जिसको आम आदमी पार्टी बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रही है, ये भी इस इलाके के लिए एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि चूंकि पॉल्यूशन से ये इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित भी रहता है, तो दिल्ली का हर साल होने वाला पॉल्यूशन भी आम जनता के मुद्दों में शामिल है, और ये तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर इस इलाके के लोग मतदान करेंगे। कैमरा पर्सन बाबर मसूद के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली।